रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे जेई की परीक्षा का स्टार्ट हो चुका है, आज शुभारंभ हो चुका है 22 मई 2019। तो इसके हम फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न जो आए हैं करंट अफेयर का, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन यहाँ आपको अपना नंबर देने वाला हूँ जिस पे व्हाट्सएप देके आप टेक्निकल टर्म वाले क्वेश्चन को सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल का हो गया, कुछ टॉपिक साइंस वाले हो जाएंगे, कुछ ऐसे टॉपिक जिसके लिए मैं कंफर्टेबल हूँ, उस टॉपिक को हम सोल्यूशन आपको करके दे सकते हैं, जिसका नंबर अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ 22 मई का करंट अफेयर आया है, ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का है। कुछ प्रश्न ईजी हैं, कुछ प्रश्न डिफिकल्ट है। और सक कह दें तो सीएम और राज्यपाल आपको यहाँ पीछा नहीं छोड़ने वाला है, एलपी की तरह से आईपीएल पीछा नहीं छोड़ने वाला है, एशियन गेम नहीं छोड़ने वाला है, क्रिकेट नहीं छोड़ने वाला है, चेयरमैन आपको छोड़ने वाला नहीं है। ये सारे टॉपिक से ही सारे प्रश्न लिए हुए हैं। राज्य की राजधानी से लिया हुआ है कि राज्य से राजधानी से क्या हुआ है, ऐसे ऐसे कर करके टर्म लिया हुआ है सारे प्रश्न। कुछ जीए में आप देखेंगे, जनरल अवेयरनेस में तो राजधानी पूछा जा रहा है, किसी कैपिटल पूछा जा रहा है, साइक्लोन की डेट आया है, इलेक्शन से रिलेटेड प्रश्न आए हैं, यही प्रश्न आए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को कुछ देखते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे कि नंबर नहीं दिए, तो नंबर मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिएगा। नंबर है 8076120065, लेकिन केवल इस पे व्हाट्सएप हो सकता है, कॉल अटेंड नहीं होगा, क्योंकि ये फ़ोन केवल व्हाट्सएप के लिए चलता है। तो देख लीजिएगा ध्यान से कि ये नंबर है, एक बार रिपीट कर दूँ, 8076120065। अगर लगता है अपनी इच्छा से, मैं इसके लिए आपको स्वेच्छा, आपकी प्राइवेसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं नंबर पे। तो चलिए यहाँ प्रश्न की बात कर लेते हैं, ओवरव्यू जल्दी जल्दी से। पहला आया है कर्नाटका से दिल्ली, आपका कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब शिफ्ट हुआ था भारत का। और एक चीज़ और बता दूँ कि सभी शिफ्टों का अलग अलग एग्जाम हुआ है, हो सकता है किसी आरआरबी में सेम हुआ है, एक ही शिफ्ट में अलग आरआरबी का अलग अलग प्रश्न पूछा गया है, कहीं सेम भी है कहीं अलग भी है, तो एग्जैक्ट डाटा अभी नहीं मिला है, लेकिन प्रश्न वेरिएशन है, यानी कुछ जो आरआरबी में प्रश्न आ रहे हैं दूसरे आरआरबी में नहीं आ रहे हैं। तो इस बार और प्रश्न की वैरायटी बहुत चेंज होने वाली है, लेकिन टॉपिक आपका यहाँ चेंज नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो दिल्ली राजधानी भारत की कब बनी थी, तो 1911 में बनी थी, जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद बहुत सारे मूवमेंट हुए, उसके बाद कोलकाता से हटाकर भारत की राजधानी को दिल्ली किया गया था, कब, 1911 में। उसके बाद सीएम ऑफ उड़ीसा, जिसकी करंट अफेयर हमने सीएम और उसके पूछे हैं, दो सीएम का नाम पूछा गया है, एक सीएम उड़ीसा का पूछा गया है, दूसरे सीएम कर्नाटका के पूछे गए हैं, दो सीएम एक प्रश्न है इधर उधर से दो का है, तो हो सकता है सब आरआरबी में अलग अलग आ रहा होगा। तो यहाँ सीएम ऑफ उड़ीसा सब लोग जानते हैं, नवीन पटनायक जी हैं, और ये बीजेडी का है, ये भी हो सकता है पार्टी का नाम भी कुछ दिनों में पूछ दिया जाए, क्योंकि एग्जाम है आपके बहुत 34 से लेकर 36 शिफ्ट में संपन्न होने वाला है, तो इसलिए हो सकता है पार्टी पे भी प्रश्न आ जाए कुछ समय बाद। तो यहाँ पे पूछा हुआ है सवाल, अगला सवाल पूछा हुआ है आपका, लैटिट्यूड ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर कितने डिग्री पे बिलोंग करता है वो बताना है। तो सब लोग जानते हैं, भारत या विश्व के नक्शा में देखते हैं तो इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पे होता है, इसे 0 डिग्री बोलते हैं, इधर की तरफ हमारा नॉर्थ हो जाता है, इधर की तरफ साउथ हो जाता है, उसके बाद अलग अलग हमारी डिग्री चेंज हो जाती है। उसके बाद अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, नंबर एक बार फिर से याद कर लें, 8076120065। उसके बाद स्वीडन की राजधानी पूछी हुई है, तो सब लोग जानते हैं स्टॉकहोम है। उसके बाद 2017 का आईपीएल, इतना पुराना प्रश्न पूछ दिया है, 2017 का आईपीएल में कौन से टीम सेकंड पोजीशन पे रही थी, यानी हारने वाली टीम को नाम बताना है। अब हमें भी नहीं याद है, शायद मुंबई जीता था और पुणे हारने वाली टीम थी, पुणे सनराइजर, पुणे और राजस्थान रॉयल के जगह पे दो टीम आई थी, उसमें से पुणे आई थी दूसरे स्थान पे, तो पुणे का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कुछ टर्मों के लिए शायद थे, दो टर्म या तीन टर्म में, जिस समय चेन्नई निलंबित था, तो पुणे का यहाँ ऑप्शन है। उसके बाद आरडीएसओ के चेयरमैन का नाम पूछा है, तो सतीश रेड्डी जी हैं, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डिफेंस ऑर्गेनाइज वाला है उसके लिए। उसके बाद अगला है आपका सबसे ग्रीन रेलवे,
ISO प्राप्त रेलवे कौन सा है, तो यहाँ गुवाहाटी का नाम आता है NER में, नॉर्थ ईस्ट रेलवे में गुवाहाटी का है ISO रेलवे के बाद में। तो रेलवे से भी प्रश्न आया है, एक और आया है रेलवे से प्रश्न, भारत की पॉलिसी से आया है, देखिए इजी टू डूइंग बिजनेस से आया हुआ है, कौन सा पहले स्थान पे है भारत के राज्य, तो आंध्र प्रदेश है, हमने पहले भी बात किया था जब LP की बात हुई थी, हमने JE में नहीं बात किया है, LP में आया था ये इसका आंध्र प्रदेश का। और इजी टू डूइंग बिजनेस का भारत वर्ल्ड रैंकिंग भी है, जो 2019 में 77 के आसपास था, 2018 में 100 के आसपास था, ऐसा रैंकिंग है, इसको भी देख लीजिएगा एक बार। एक CM मामा के नाम से कुछ लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं, मजाक कर रहे हैं लोग, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन ये प्रश्न बोला गया है कि एक मामा पूछा गया है किस CM को मामा के नाम से जानते हैं, तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो कमलनाथ जी हैं, लेकिन शिवराज चौहान जी को मामा के नाम से बोला जाता था, हो सकता है प्रश्न है, ऑप्शन से आपको ज़्यादा पता चलेगा। लोकसभा से चुनाव से प्रश्न आ चुका है कि अभी कितने पे लोकसभा की भारत में सीट है, तो ऑप्शन देखिएगा, यहाँ ट्विस्ट है, अभी इलेक्शन हुआ है 543 या 42 का, और टोटल भारत में लोकसभा के सीट 552 है, क्योंकि 552 फुल स्ट्रेंथ है, उसकी अभी वोटिंग नहीं हुई है। तो ये दोनों टॉपिक में देख लीजिएगा कौन सा प्रश्न में ऑप्शन था। उसके बाद है फर्स्ट वर्ल्ड कप क्रिकेट कहाँ हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड कप कब से हुआ था, 1975 में, और क्रिकेट की प्रथम दो विश्व कप कहाँ हुई थी, प्रथम सेकंड इंग्लैंड की टर्म में, तो इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद चाइना की करेंसी युआन, चाइना की करेंसी के नाम यानी भारत का रुपया, तो चाइना का युआन। उसके बाद अगले प्रश्न में देखिए एशियन गेम 2018, आसान सा प्रश्न, इंडोनेशियन में हुआ था, मतलब एशिया की गेम 2018 कहाँ हुआ है, इंडोनेशिया में। उसके बाद पंजाब की लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, बहुत आसान से सवाल थे, पंजाब में लोकसभा की सीट कितनी है, 10 के 10 हैं। तो उसके बाद अगले प्रश्न में हम देखते हैं, तो अगले प्रश्न के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, तो अगले प्रश्न ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं जो किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत की भी ज़रूरत थी, ऐसा नहीं था कि बिना मेहनत के इस प्रश्न को कर लें। उसके बाद देखिएगा ICC के चेयरमैन शशांक मनोहर जी हैं, जो भारत से बिलोंग करते हैं, इसलिए पूछ दिया गया है। उसके बाद है फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये शायद मणिपुर में है, मुझे भी पूरा याद नहीं है, लेकिन कैम्बुल नेंजो नेशनल पार्क के नाम से शायद ये विकसित है, इसलिए इसका नाम फ्लोटिंग पार्क में है, भारत में एक ही है ऐसा कहा जाता है। उसके बाद कर्नाटका के CM जान ही रहे हैं कौन है, कुमार स्वामी, जो JDS से हैं, जनता दल यूनाइटेड से। उसके बाद आपका देखिएगा लॉन्ग, आपका अगला प्रश्न है बेस्ट एक्टर ऑफ ऑस्कर, ऑस्कर अवार्ड में सबसे बढ़िया अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है, तो रेमी मलिक जी हैं शायद इनका नाम है। उसके बाद इकोनॉमिक एडवाइजर के नाम से के सुब्रमण्यम, नहीं शायद उन्हीं से रिलेटेड एक प्रश्न ये भी है, तो ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद SEBI के चेयरमैन अजय त्यागी जी के बारे में प्रश्न आया है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो एक और राजधानी के नाम आया है काजाकिस्तान, तो काजाकिस्तान की राजधानी शायद नूर सुल्तान है, देख लीजिएगा, वेरीफाई नहीं कीजिएगा, मेरे जो एग्जैक्ट आया है उसी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप देखिएगा ICC का हेडक्वार्टर, ICICI ये क्या है, बैंक है जिसका हेडक्वार्टर, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई है। उसके बाद फानी साइक्लोन जो आया हुआ था कहाँ, उड़ीसा में आया था, और साथ में कोलकाता एरिया में, लेकिन आपको याद है ताज़ा होगा कि LP CBT-3 की एग्जाम कैंसिल हो गई थी साइको की, तो डेट क्या था, तो डेट ऑप्शन से देख लीजिएगा 30, 31, 1, 2, 3, 1, 2 की सबसे ज़्यादा और 3 को भी ज़्यादा थी, तो इसमें से डेट का ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा डेट दिया हुआ है, और ये मई में हुआ है, जस्ट अभी का करंट अफेयर है लेटेस्ट। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं GA और GS का, तो करिए तैयारी आराम से, और अगर चाहते हैं कि कोई प्रश्न का हम सोल्यूशन दें तो हमारा ये नंबर है, क्योंकि हमारे पास प्रश्न लिमिटेड है, इसलिए मैं इतना ही प्रश्न लेके आ रहा हूँ, तो 8076120065। थैंक यू, धन्यवाद।